आज हम बना रहे हैं मसर की दाल और चटनी। इसके लिए मैंने पूरा जो है लहसुन ले लिया है, उसमें से 3 to 4 क्लोव्स मैंने तड़के के लिए रख लिए हैं और बाकी लहसुन मैंने साबुत छोड़ दिया। दाल के लिए ज़ीरा चाहिए 1 टेबल स्पून, अदरक लिया है मैंने तड़के के लिए और 2 प्याज स्मॉल साइज़ के। ये हो गया तड़के का। और एंड पे डालने के लिए मैंने लिया है धनिया और हरी मिर्चें जो मैंने काट ली हैं। और ये मसर की दाल, इसे मैंने धो दी अच्छी तरह और मैं आपको दिखाती हूँ फिर क्या करना। चूल्हा जो है मैंने जला लिया है, अब इसमें जो साबुत लहसुन थे वो मैं डाल दूँगी। इसमें मैं डालूँगी नमक नमक और जो मिर्ची है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हो। इसमें डालूं काली मिर्च, और खलास। अब मैं इसे जो है पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक ये गल नहीं जाती। और जो ये साबुत लहसुन है इन्हें मैं चम्मच के जरिए साइडों से जो है दाल में घोल दूंगी। दाल जो है हमारी एक तरफ पक रही है, ये हमारा चटनी का सामान है जो हम दाल चावल के साथ बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया 1 प्याज, उसे मैंने काट लिया है। टमाटर लिया है जिसके मैंने छिलके और बीज भी निकाल लिए हैं। अदरक लिया है, 2 लहसुन लिए हैं क्लॉव्स, धनिया लिया है, पुदीना लिया है, हरी मिर्चें, ये जितना आप स्पाइसी करना चाहते हैं और कम करना चाहते हैं आप हरी मिर्चों को अकॉर्डिंगली ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और मैंने लेमन लिए जिसके मैंने सीड्स जो है निकाल दिए हैं। और हम इस चटनी को वन बाय वन इसमें जो है क्रश करेंगे। आप इसको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर में ये है कि आप ज़्यादा उसे पतला मत करें। मैं आपको फिर चटनी जब मैं क्रश कर लूँगी मैं दिखाती हूँ। चटनी जो है मैंने तैयार कर ली है, इसमें मैंने नमक भी डाल दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे इसमें। मैंने जो लेमन था वो भी शामिल कर दिया है। आप इसमें चाहें तो केचप भी डाल सकते हैं, केचप ऑप्शनल है। मैं ये वाला जो है केचप यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है केचप डाल के। अब हम इसको सारा मिक्स कर लेंगे। और हमारी जो है चटनी तैयार हो गई है। ये दाल चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप जैसे देख सकते हैं अभी भी हमारी दाल जो है पक रही है, अभी हम इसे मज़ीद पका रहे हैं जब तक ये गल नहीं जाती। अब हमने जो है तड़के के लिए तेल डाल दिया है और नीचे से चूल्हा भी जला दिया है। ऑलमोस्ट हमारी दाल जो है गल गई है, रेडी है। ये देखिए आप ये जो इसमें लहसुन जो साबुत थे उन्हें कैसे क्रश करना है तेली से ही। यूँ एक ये तरीका है और दूसरा आप इनको चम्मच के ज़रिए यूँ भी क्रश कर सकते हैं। जिस तरह आपको इजी लगे आप वैसे कर लें। जब आपकी दाल गल जाए आप कोशिश क्या करें थोड़ी देर उसमें चम्मच चलाएं ताकि वो जो है पानी में घुले भी। और तड़का इज गोइंग टू बी रेडी, सो फर्स्ट वी विल ऐड। Before tadka and we will little bit mix
एंड नाउ वी विल गोइंग टू ऐड आवर तड़का। आवर तड़का इज रेडी। और हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। दाल जो है हमारी रेडी हो गई है, ठीक है। अब मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दाल जो है हमारी डन हो गई हुई है। इसके साथ मैं कुक करूंगी वाइट राइस, चटनी और दाल।